हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीटी मैक्स पर। दोस्तों, विस्टा डोम कोच पहुंच चुके हैं मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये विस्टा डोम कोच का आविष्कार किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों सजे बने विस्टा डोम कोच मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। इसी के ऊपर वीडियो है हमारे साथ, वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। विस्टा डोम कोच का वीडियो राजखान जी के माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण का काम भी काफ़ी तेज़ गति में किया जा रहा है। क्रॉसबार दोस्तों लगभग लगा लिए गए हैं, ये सामने आपको सब कुछ नज़र आता होगा। और ये विस्टा डोम कोच दोस्तों मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच वाली जो मेन लाइन है उस पर खड़े हुए हैं। इसका वीडियो हम करीब से भी दिखाएंगे दोस्तों, विस्टा डोम कोच का। विस्टा डोम कोच जो मैलानी से और दुदुआ के बीच में जो जंगल हैं दोस्तों, और करतनिया घाट का जो जंगल है दुदुआ से, वहां पर दोस्तों ये चलाए जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये विस्टा डोम कोच बनाए गए हैं। और रेलवे और पर्यटन विभाग के दोनों मिला साझा का काम है दोस्तों, और इसमें दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल विभाग की मदद के दौर पर आगे बढ़कर आया है दोस्तों पर्यटन विभाग, जिससे दोस्तों डबल काम होगा। एक तो रेलवे की आमदनी बढ़ेगी, दूसरी दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुदुआ और करतनिया घाट के जंगल में दोस्तों घूमने के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया दोस्तों ये कोच बनाए गए हैं। मीटर गेज के कोच हैं, इसलिए दोस्तों ये मालगाड़ी पर लद कर आए हैं, क्योंकि सारा दोस्तों ब्रॉड गेज में बदल चुका है। मैलानी से और पलिया होते हुए दुदुआ और ये सारी चीज़ दोस्तों मीटर गेज की लाइन है, इसमें दोस्तों अभी पहिए नहीं लगे हुए हैं। इसमें पहिए लगाकर और मैलानी से दोस्तों इस चालन किया जाएगा। काफ़ी अच्छे और खूबसूरत दोस्तों कोच बनाए गए हैं विस्टा डोम कोच। इसका वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए, सामने आपके दोस्तों ये खड़े होंगे विस्टा डोम कोच। मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।